का पर्व जिस तरह नजदीक आ रहा है वैसे ही मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भरमार बढ़ती जा रही है। इस त्योहार पर लुधियाना के लालपुर स्वीट्स ने काजू बर्फी की तर्ज पर मनमोहक दिए तैयार किए हैं, जिसमें आप देसी घी के लौकर डालकर बाद में पूजा भी कर सकते हैं। इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में खा भी सकते हैं। यह जानकारी मॉडल टाउन स्थित लालपुर स्वीट्स के मालिक कपिल खरबंदा ने दी। उन्होंने बताया कि हर बार दिवाली पर लोगों के लिए स्पेशल तरीके की मिठाइयाँ लाई जाती है। इस बार मिठाई में दिए के आकार की मिठाई भी बनाई गई है, जिसे दिए की शेप दी गई है और इसे काजू बादाम पिस्ता से बनाया गया है, जो कि देखने में बिल्कुल एक दिए की तरह ही नजर आते हैं। खास बात यह है कि इसे जलाकर आरती के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और बाद में इसे खाया भी जा सकता है। खाते वक्त इसका स्वाद बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। इसे अलग अलग फ्लेवर्स में बनाया गया है और विदेशों में बैठे पंजाबी भी इसके स्वाद के दीवाने हो चुके हैं, जो कि ऑनलाइन ऑर्डर कर यह आकर्षक मिठाई मंगवा रहे हैं। जी, ये मिठाई के द्वारा बनाए गए दीवे हैं। इसको हमने बढ़िया काजू पिस्ता और बादाम से इसको बनाया गया है और इसमें तीन चार तरह के फ्लेवर डाले गए हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, मैंगो हो गया, या गावा हो गया। ऐसे तीन चार तरह के फ्लेवर उसमें मिक्स करके इसको बनाया गया है। ये पूजा में रख कर आप इसमें पूजा भी कर सकते हो, बाद में इसको खा भी सकते हो। ऐसे ही ये हम दिवाली के नज़दीक ही हम बनाते हैं। इसकी सेल दिवाली पे ही होती है, ज़्यादा ऑनलाइन इसकी डिमांड है जहाँ ऑर्डर पे ही हम तैयार करते हैं। ऐसे जी, इसको देखने में तो लोग बहुत अभी पहले लगाए थे, लेकिन इसको बनाने में टाइम बहुत लगता है, इसलिए इसको थोड़ा दुकान पे शो कम करते हैं, लेकिन ऑनलाइन इसकी सेल काफ़ी आ जाती है और बाहर से जानी ऑर्डर आते हैं तो उसको बनाकर हम भेजेंगे। ये सारे कारीगर जो है जी वो बंगाल के हैं, बंगाल के कारीगर है, वो ही इनको तैयार करते हैं। मिट्टी से ही होंगे, कलर कितने होंगे मिट्टी के, बहुत बढ़िया है। हाँ जी बिल्कुल, कहेंगे लेके जाऊंगे। अपने आज बहुत बढ़िया लग रहा है, ये पहली बार देख रहा हूँ। मेरा घर में बनाऊंगा सर, पहले देश के लिए बनाऊंगा, उसके बाद घर के लिए बनाऊंगा सर। आज तो बहुत बढ़िया फीलिंग हो रहा है सर।